Assalamu alaikum, class 9. Today we are going to continue our lecture number 5 in your chemistry course. So today we are going to discuss a new topic, that is the types of solids. So there are the two types of solids, and the solid are actually it classify into two types based on the arrangement of the particles. These are the amorphous solid and crystalline solid. सो आप यहाँ पर हम दो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे, ठीक है आपके पास. और सॉलिड में भी एक एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. जो एमॉर्फस सॉलिड्स, अगर फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करें व्हाट इज़ द एमॉर्फस, तो आपके पास जो वर्ड एमॉर्फस है ये एमॉर्फ से आया है, ठीक है. और इसका मतलब होता है शेपलेस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है. आपके पास जो एमॉर्फस लिक्विड है, जो कि टाइप्स है सॉलिड्स के, यहाँ पर आपके पास इनमें हम पार्टिकल की बेसिकली यहाँ पे जो दो टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है. तो एक के डेफिनेट शेप्स होंगे, एंगल होंगे, और एक आपके पास शेपलेस होगा, ठीक है. जैसे एमॉर्फस यहाँ पर आपके पास क्या है, शेपलेस है. एंड नाउ वट इज एमॉर्फस सॉलिड, द सॉलिड इन विच द पार्टिकल आर नॉट रेगुलरली अरेंज, इन विच द पार्टिकल आर नॉट प्रॉपरली अरेंज इन दियर थ्री डायमेंशंस आर कॉल्ड द एमॉर्फस सॉलिड्स. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट द एमॉर्फस सॉलिड्स आर वन दैट लैक ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल, ठीक है. यहाँ पर आपके पास देखिए जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, ठीक है, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो एमॉर्फस मीन शेपलेस, तो इसकी अपनी कोई शेप नहीं है. अगर हम एक एग्जांपल लें, अपनी डेली रूटीन की एक एग्जांपल लें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एमॉर्फस आपके पास क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास हम एक कुछ सॉलिड्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है. तो एक आपके पास जैसे ये शुगर मॉलिक्यूल है आपके पास, और एक आपके पास ये शुगर मॉलिक्यूल, और आपके पास ये पाउडर मैंने लिया है. अगर आप चेक करें तो ये जो वर्ड एमॉर्फस है, ठीक है, एमॉर्फस अगर आप चेक करें तो ये पाउडर है. तो इसका कोई अपना एक डेफिनेट शेप, इन पाउडर का कोई शेप नहीं है. इसको आप किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली. अगर आप यहाँ पर क्रिस्टलाइन चेक करें, इन शुगर मॉलिक्यूल को चेक करें, तो इनके कुछ आपके पास डेफिनेट एंगल्स मौजूद हैं. तो ये आपके पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड्स हैं. तो ये जो पाउडर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, टेलकम पाउडर और कोई भी पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में, तो बेसिकली दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है. और जो शुगर आपके पास पार्टिकल है, या सॉल्ट्स पार्टिकल्स आपके पास है, या जो सोडा हम यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम हमारे पास क्या है, ऑल दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो ये बेसिक हमारे घर की एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो हम दो टाइप्स ऑफ सॉलिड का हम जिक्र कर रहे हैं, वो आपके पास क्या है, ये एमॉर्फस सॉलिड्स है. कुछ और भी एग्जांपल हमारे पास सॉलिड्स की आ सकती हैं. तो अगर आप चेक करें कि वर्ड एमॉर्फस मीन इट इज़ शेपलेस, सो द पार्टिकल अरेंजमेंट, अगर आप इस पाउडर की चेक करें तो यहाँ पर इनकी पार्टिकल की अरेंजमेंट नहीं है, और ये रेगुलरली अरेंज नहीं हुए, ठीक है. तो पार्टिकल प्रॉपर्ली, इसका अर्थ कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी नहीं है. अगर आप इन शुगर मॉलिक्यूल को चेक करें तो आपके पास ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और इनके कुछ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है. इनकी कोई एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी. यहाँ पर डिसऑर्डर है, लैक ऑफ डिसऑर्डर्स आपके पास है, यानी कि डिसऑर्डर क्या है आपके पास, अरेंजमेंट डिसऑर्डर्स हैं आपके पास. कोई ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं हुई पार्टिकल्स की. यहाँ पर पार्टिकल की अरेंजमेंट प्रॉपर है, तभी यहाँ पर इनकी क्रिस्टल कि आपको डिफरेंट एंगल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है. और आपके पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ये दीज आर एमॉर्फस सॉलिड्स आर हार्ड लाइक ट्रू सॉलिड्स, बट दे आर दे डोंट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इनको कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते. दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट रेंजेस पर ही जाके मेल्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ग्लासेस लेते हैं, वैक्स लेते हैं, बटर, प्लास्टिक, रबर, कॉटन कैंडीज. सो ऑल दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स. लाइक दिस इज द बॉल्स, सो दिस आर द रबर, सो द अरेंजमेंट वी कैन कन्वर्ट दिस रबर इन टू अ डिफरेंट शेप्स. एंड दिस इज द बटर और वैक्स, सो दिस बटर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू द डिफरेंट शेप्स. वैक्सेज आर हेयर, सो डिफरेंट वैक्स आर ऑल्सो. इफ यू सी द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, यू नो, सो इफ यू सी दिस अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, द सो द पार्टिकल ऑफ द एमॉर्फस आर नॉट प्रॉपरली अरेंज. सो देयर इज
there is a lack of order of arrangement of its particle. So and see this cotton candy you can convert into a different shapes. तो जो चीज आप किसी different shape में convert कर सकते हैं वो आपके पास क्या है, वो कहलाते हैं amorphous. तो आपके पास जो word amorphous है, जो glasses हम use करते हैं, different glass mirrors वगैरह हम use कर रहे हैं, तो ये जो different glasses हैं, जो glassware होते हैं आपके पास, ठीक है, जो lab में हम glassware वगैरह use करते हैं, इसको भी आप different shape में, आपने देखा बीकर आप चेक करें, आपके पास फनल्स हैं, आपके पास क्रूसिबल्स हैं, तो डिफरेंट चीज़ें आपके पास मौजूद हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के हैं. तो इनके जो डिफरेंट शेप्स हैं ये इनमें पार्टिकल की अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से है. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड, दिस इज द एमॉर्फस सॉलिड एंड द नेक्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॉलिड इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. So crystalline solids are the solid in which the particle, that is what are the particle, that is ions, atom or molecule, which are invisible to our naked eyes, are arranged in the regular three-dimensional pattern. If you see the crystalline structure figure 5.16, so you have to see there is a cube. तो अगर आप देखें यहाँ पर एक regular geometry है, यहाँ पर आपके पास cubes हैं, इससे कुछ आपके पास angles बने हुए हैं, तो ये आपके पास क्या होते हैं, crystallines होते हैं. तो अगर आप check करें जो particles हैं वो different आपके पास कॉर्नर्स पे, यहाँ पर फेसेस पे इन क्यूब्स के लगे हुए हैं, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके पास इसकी एग्जांपल है. जैसे लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल की अरेंजमेंट इसे आपके पास प्रॉपरली इन थ्री डायमेंशनल शेप में नहीं होती, पैटर्न में नहीं होती, तभी वो आपके पास, आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन क्रिस्टलाइन की अपनी कुछ ज्योमेट्री होती है, ठीक है, उनके डेफिनेट शेप है, डेफिनेट ज्योमेट्री है, डेफिनेट एंगल्स होते हैं, तभी इसको हम किसी दूसरी जगह पे या किसी और शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दे हैव अ डेफिनेट सरफेस और फेसेस, ईच फेस हैज अ डेफिनेट एंगल विद अदर फेसेस. प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, नेफ्थलीन्स आपके पास है. तो ये आपके पास क्या है, दो टाइप के सॉलिड्स आपने पढ़े, एक आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आपने क्या सीखा यहाँ पर, एमॉर्फस सॉलिड. तो ये दो टाइप के क्रिस्टल्स आपके पास, सॉलिड दो टाइप के आपके पास क्या है, सॉलिड्स के टाइप्स थी, ठीक है. और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने भी आपको एग्जांपल दी, तो उसमें आप शुगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो शुगर मॉलिक्यूल आपके पास बेसिक एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड से. यहाँ पर जो आप सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल है. यहाँ पर आपके पास एक एक्टिविटी मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, एंड यू शुड हैव टू सॉल्व इट इन योर कॉपीज एंड देन आई विल चेक इट. सो Like looking to the solid, there I have given you the different types of solid, and you should have to give them name. What is the amorphous solids and what are the crystalline solids? So collect a number of solid item from your home or school. Some example are listed below. This is the marble, baking soda, candle wax, rubber, glass, charcoal, plastic, table salt, lead pencil, and eraser. So you should have क्लासीफाई द अबव मेंशन सॉलिड इन टू क्लास क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. तो आपने इनके बारे में आपने बताना है कि कौन से क्रिस्टलाइंस हैं आपके पास या कौन से आपके पास क्या हैं एमॉर्फस सॉलिड्स हैं. तो दिस इज योर एक्टिविटी, यू शुड हैव टू सॉल्व इट एंड शेयर योर आंसर. थैंक यू क्लास 9.